से है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने इस बार के आम बजट को शानदार बताया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण बजट पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार में साध्वी निरंजन ज्योति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इसमें स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के लिए संचालित योजनाएं और महिला सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से महिलाएं और ज्यादा सशक्त हुई हैं। और इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेषकर महिलाओं को फोकस करते हुए, कोई भी महिला सर्विस वाली भी या गांव की महिला भी यदि अपना पैसा जमा करती है 2 लाख रुपया, उसमें 7% का मतलब ब्याज दे करके उनको आगे के काम के लिए सुरक्षित करना, एक तरह से जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है या सुमंगला योजना है, ऐसे करके इसको भी किया है। आज मुख्यतः ये राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूह की बहनों का विषय था, जिसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि जब हम 14 में आए थे तब 2 करोड़ और कुछ थी महिलाएं जो जुड़ी हुई थी, आज 8 करोड़ 84-85 लाख के लगभग महिलाएं इससे जुड़ चुकी हैं। वहीं मथुरा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की और उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। मंदिर के सेवायतों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ब्रज की 2 दिन की धार्मिक यात्रा पर पहुंचे हुए थे और इसी क्रम में आज उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए। राकेश टिकैत को धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। दरअसल टिकैत परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को भौराकला इलाके से हिरासत में भी ले लिया है। वहीं गाजियाबाद के कवि नगर में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। मॉर्निंग वॉक से लौट रहे शख्स की चेन स्कूटी सवार बदमाश ने लूट ली और लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बेखौफ बदमाश चेन लूटकर मौके से फरार हो जाते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने कैसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गाड़ी की रेकी कर सिर्फ 10 सेकंड में गाड़ी को चुरा लिया करते थे। पुलिस के मुताबिक छोटी गाड़ियां चुराने के बदले गिरोह को 17,000 रुपए मिलते थे, जबकि बड़ी बड़ी गाड़ी के 30,000। गाड़ियों को ये कबाड़ में बेच देते थे, उसके बाद उन गाड़ियों के पार्ट्स को अलग अलग कर बेच दिया जाता था। सभी 6 आरोपियों के पास से कार की 3 नंबर प्लेट मिली है। 1 साल से ये चोरी किया करते थे, जेल भी जा चुके हैं। अफजल, चांद, कयूम, दानिश, नदीम तथा अफसर हैं। इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि पिछले 1-2 महीने से ये चोरी का काम कर रहे थे। इन्होंने मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया हुआ है। इनमें से जो 4 लोग हैं, कयूम, चांद, दानिश और अफजल, ये चोरी किया करते थे। इसके बाद ये चोरी की हुई गाड़ियों को नदीम को हैंडओवर कर देते थे। नदीम इनको गाड़ियों को अफसर को दे देता था, जो कि अफसर इधर मेरठ रोड के पास मछली गोदाम है, वहां पर इन गाड़ियों को काट करके चलते फिरते कबाड़ियों को बेच दिया करता था। वही कानपुर शहर की पुलिस एक बार फिर चर्चाओं में है। कानपुर के चौबेपुर थाने में थाना दिवस के दिन प्रेमी युगल अपनी शिकायत लेकर पहुंचे कि उनके परिजनों की शादी के खिलाफ है, ये कहा गया और मामले की गंभीरता को समझते हुए थानाध्यक्ष ने दोनों परिवारों को थाने में बुलाया और आपसी सहमति से लड़के लड़की की शादी करवाई। जानकारी के मुताबिक प्रेमी झारखंड का रहने वाला है, जबकि प्रेमिका बिहार की रहने वाली है। बीते 1 साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन परिजनों को उनका ये प्रेम गवारा नहीं था। इस बीच जब प्रेमी युगल को न समझ में आया तो उन्हें थाने शिकायत लेकर पहुंचे के बाद थाना परिसर ही मंडप में तब्दील हो गया, जबकि पुलिसकर्मी बराती बने, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीतापुर में युवक का बाइक पर स्टंट करते वीडियो